हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल एंड ईट। आई होप सो आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। और मैं आज आपके लिए नाश्ते की बहुत ही अच्छी सी एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, मैं बहुत ही कुरकुरी करारी सी आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ नाश्ते की रेसिपी, ये मठरी है, लेयरदार मठरी है। और ये मठरी ऐसी वैसी मठरी नहीं है, ना ये एक दाल से बन रही है, ना दो दाल से, ना तीन, ये बल्कि चार चार दालों के मिश्रण से बनी है और कुछ अलग सी चीज़ों से। तो चलिए मेरे साथ इसे बनाना शुरू करिए और आप, मैं दिखा सकती हूँ कि ये कितनी करारी है, ये मठरी बहुत ही करारी कुरकुरी मठरी। तो चलिए मेरे साथ इस रेसिपी को बनाना शुरू करिए और आगे देखिए मैं कैसे इस मठरी को बनाती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए चार दालें, जिसमें हमने ले ली है काली उड़द की दाल, सफ़ेद उड़द की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल। इन्हें हमने रात भर के लिए भिगो के रख लिया था और सुबह अच्छे से जो है इसको धो लिया था। तो अगर आपके पास छिलके वाली उड़द की दाल और मूंग की दाल ना हो तो आप बिना छिलके वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे आप एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए और अच्छे से इसको पीस लीजिए, एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लीजिए। तो मिक्सी के जार में पीसने के लिए आपको इसके संग कुछ नहीं डालना है, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा पानी डालना है, जिससे बहुत ज़्यादा ये गीली ना हो जाए। और इसको अच्छी तरीके से पीस लीजिए। अब ये देखिए, ये पीस के तैयार हो गई है। और इसका ये देखिए, ये मैंने जो पीस लिया है, ये देखिए कितनी, और बिल्कुल मैंने इसको पतला नहीं किया, तो आप भी बिल्कुल पतला मत करिएगा। अब आगे देखिए मैं क्या करती हूँ, इसको एक जार में आप निकाल लीजिए, एक बाउल में इसको आप निकाल के रख लीजिए दाल को। और चलिए हम बनाना शुरू करते हैं, इसके लिए लगाना शुरू करते हैं आटा। तो चलिए हम देखते हैं आटे में हमने क्या क्या मिलाया है। तो कभी हमने 1.5 कप आटा ले लिया है, 1 कप, और आधा कप हम और आटा ले लेते हैं। तो हमने ये 1.5 कप जो है ये मैदा ले लिए, बल्कि ये होल व्हीट आटा नहीं है, ये मैदा है। तो आप 1 कप आटा और आधा कप जो है मैदा ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है अजवाइन, और कुछ मैंने डाल दिया है इसमें, मेरे पास सूखी मेथी थी वो डाल दिया है। फिर मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, नमक स्वाद अनुसार डाल दिया है। और इसमें मोइन के लिए हम तेल डालेंगे करीब 1/4 कप, और इसको अच्छी तरीके से हम आपस में मिला लेंगे। तो बस यही सब चीज़ें इसमें पड़नी है। तो इसमें मैंने 1 कप जो है होल व्हीट आटा ले लिया है और आधा कप मैदा ले लिया था। और इसमें मैंने मसाले मिला लिए थे। अब इसमें जो दालें हैं सब उठा के हम इसमें मिला देंगे, जो हमने दालें पीसी थी वो हम इसका मिश्रण इसमें मिला देंगे। तो पानी डालने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी डालेंगे तो ये बहुत ही लिसलिसा हो जाएगा, और ऑलरेडी दाल में इतना पानी है कि इसके अच्छी तरीके से इसका एक डो बना सकते हैं, मार सकते हैं। अब थोड़ा सा अगर आपको गीला लग रहा हो तो थोड़ा सा आटा या मैदा आप और मिला सकते हैं। ये देखिए, ये इसका डो बन के तैयार हो गया है। तो मैंने 1 कप लिया था आटा और आधा कप ली थी मैदा। और इसका डो ऐसा बना लीजिएगा कि ये ज़्यादा जो है आप सख्त भी ना हो और बहुत ज़्यादा मुलायम भी ना हो, एकदम ठीक ठीक कंसिस्टेंसी का हो। और इस तरीके से क्या है कि आपकी बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी बनेगी। तो बहुत सख्त मत रखिएगा, और अच्छी तरीके से जैसे रोटी का बनता है उससे थोड़ा सा हल्का सा कड़ा रख लीजिएगा। और तेल लगा के इसको ढक के हम रख देते हैं। अब चलिए इसके लिए हम एक पेस्ट बना लेते हैं जो इसमें हम लगाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 चम्मच मैदा ले ली है, और 1 चम्मच ही हमने घी लिया है। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और अच्छी तरह से मिला के इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम तैयार कर लेते हैं, जो कि हमें इसमें लगाने के लिए काम आएगा। चम्मच की सहायता से इसको मिला के अच्छी तरीके से कर लीजिए। तो ये जो है बहुत ही पौष्टिक है, बहुत ही प्रोटीन से भरी हुई मठरी बनेगी। और क्योंकि इसमें मैंने आटे का भी इस्तेमाल किया है, तो ये खाने में इतनी टेस्टी लगेगी और भरपूर प्रोटीन और पौष्टिकता हमें मिलेगी, तो हमारा जो है हमारी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। अब इसको अच्छी तरीके से जो है हम थोड़ा थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है चिपक रहा है, तो सूखा आटा डाल के आप इसको जो है थोड़ा सा बेल लीजिए। अब ये एकदम ही अच्छी तरीके से तैयार हो गया। अब इसको हम 2 भागों में काट लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी ये लोई थी, तो 2 भागों में काट लीजिए और इसकी अच्छा सा गोल गोल पेड़ा बना लीजिए। अब ये देखिए गोल पेड़ा बन गया है। अब इसको हम बेलना शुरू करते हैं। और पतला ही रखिएगा, बहुत मोटा मत रखिएगा,
जैसे आप रोटी बनाते हैं तो वैसे ही रखिएगा, बहुत मोटी लेयर मत रखिएगा, नहीं तो मटरी बहुत ही मोटी मोटी सी बनेगी। तो हमें चाहिए बहुत ही कुरकुरी करारी मटरी, जिसको हम कम से कम महीने दो महीने के लिए स्टोर कर सकें। आप जो हमने जो पेस्ट बनाया था उसको पूरे भर में अप्लाई कर दीजिए, जिससे ये चिपक जाए। ये देखिए, ये पूरे भर में आप अप्लाई कर दीजिए अच्छी तरीके से। अब देखिए आगे मैं क्या करती हूँ। अब ये अच्छी तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं किनारों से उठा के इसको रोल करना शुरू करूँगी। तो एकदम पतला पतला मैं रोल कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैं मोटा रोल नहीं कर रही हूँ, टाइटली मैंने रोल किया है इसको। आप भी ऐसे ही टाइटली रोल कर लीजिएगा, एकदम मोटा मोटा रोल कर लीजिएगा, ठीक है। और हल्का सा इसको और बढ़ा देते हैं। अब इसे हम काटना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने एकदम एक जैसी शेप की इसको काट लिया है और ये हम निकाल के एक तरफ रख दे रहे हैं। ये देखिए, और एक हाथों की सहायता से हम इनको दबा दबा के बढ़ा ले रहे हैं। हाथों की सहायता से देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे हाथों की सहायता से आप कर लीजिएगा। ये देखिए, अब मैं आगे दिखाती हूँ कि इन्हें हमें बेलना कैसे है। अब एक एक मटरी को हम पहले जो है उठा के हम जो है अलग कर लेंगे और फिर इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। बिल्कुल लंबा लंबा हमने बेल लिया है। आप चाहे तो गोल शेप भी बेल सकते हैं। तो इसमें मैं एक बार गोल और एक बार लंबी बेल लेती हूँ। मैंने एक बार लंबा बेल लिया है। अब ये सारी मैं लंबी लंबी शेप की बना दे रही हूँ। बस हल्का सा इसमें करना है जिससे इसकी लेयर्स मेंटेन रहे। और ऐसे ही सारी बना के तैयार कर लीजिए। तो ये जो मटरी है किसको कम से कम आप दो महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती क्योंकि पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है और सारी दालों का इस्तेमाल हुआ है। तो जो स्वाद आएगा वो बहुत ही निखर के आता है। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर इसको और बना के रखिएगा अपनी फैमिली को, आपके जो फ्रेंड आते हैं उनको खिलाइएगा या रिलेटिव्स को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब ये देखिए, ये हमारी बन के तैयार हो गई है। इनकी लेयर्स भी दिख रही हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने इनको रोल करके बनाया था तो इनकी लेयर्स भी दिख रही हैं। अब इनको हमने क्या किया है कि हमने तेल लगा लिया है, रिफाइंड ऑयल लगा लिया है हमने कढ़ाई में, और मीडियम आंच पे इसको हम भून लेते हैं, इसको सेक लेते हैं। तो अच्छी तरीके से उलट पुलट के हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेकेंगे। तो एक बार में 6 से 7-8 पड़ जाती हैं। अच्छी तरीके से उलट पुलट के सेक लीजिए। और आप चाहें तो इसमें क्या करते हैं, नाइफ की सहायता से जब आप बना के रखेंगे तो इसमें थोड़े थोड़े छेद भी कर सकते हैं, जिससे ये फूले ना बहुत ज़्यादा और मटरी बन जाए। तो वो वीडियो शायद मेरा मिस हो गया होगा। आप नाइफ की सहायता से इसमें कट लगा लीजिएगा। जैसे ही इसको आप बेल लीजिएगा तो इसमें हल्का हल्का सा जो है छेद करके हल्का हल्का सा कट लगा लीजिए, जैसे दम आलू वगैरह में लगाया जाता है। अब ये दूसरी बार की भी मैं डाल देती हूँ। जो हमने दूसरे उसकी बेली थी सेम वैसी तरीके से बेल के तैयार कर लीजिए। और गोल्डन ब्राउन होने तक का इसको सेक लीजिए। तो ये थोड़ी गोल शेप की बन गई थी, पहले मैंने लंबी शेप की बना ली थी और फिर थोड़ी थोड़ी गोल शेप की भी। तो आप कोई भी शेप बना लीजिए, ये सब खाने में अच्छी लगती है। उनकी लेयर्स बाकायदा दिखती हैं, देखिए कितनी अच्छी दिख रही हैं, बहुत ही गोल्डन ब्राउन। और चार दालों के मिश्रण से तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैं सब बन के तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखा सकती हूँ, ये कितनी कुरकुरी बनी है। ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है। तो 2 मंथ तक आप इसको अच्छी तरीके से आप स्टोर भी कर सकते हैं और सबको सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, तो एक बार से ज़रूर बनाइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अभी तक मुझे आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।